दो दिन पहले देश की वैज्ञानिकों ने देश की मान बढ़ाया, देश की गर्व बढ़ाया। चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत अभी चंदा मामा को भारत का बना लिया, हमारा बना लिया। इसीलिए विश्वनाथ जी ने पहले कमेंट्स में कहा, इंडिया इज ऑन मून, भारत चंदा मामा को अपना लिया है। मित्रों, ये भारत की साइंटिफिक कैपेसिटी की, हमारी नौजवानों की, हमारी वैज्ञानिकों की, हमारे देश की ये सामूहिक उपलब्धि है। अभी अभी खबर आई है, खेल की जगत में जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने नया कीर्ति स्थापित किया, भारत की नाम बढ़ाया। मित्रों, अगले सप्ताह में दुनिया के सभी बड़े देश के लोग, अमेरिका हो, जर्मन हो, यूके हो, चाइना हो, ये सभी बड़े देश के लोग भारत आएंगे। G20 की अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता में होने वाला G20 में, इसलिए इस आनंद की क्षण में, गौरव की क्षण में, आज आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पे हम लोग अमृत महोत्सव की आज ये महाउत्सव पालन कर रहे हैं। ये मेरा देश, मेरा माटी, जो माटी आज हमने संग्रह किया, ये थोड़े दिन IIT में रहेगा। मैं IIT के परिवार को अनुरोध करता हूं, आप IIT के अंदर उसकी शोभा यात्रा करिए। IIT के हर एक घर से, हर एक हॉस्टल जाए, हर एक छात्र इसमें जोड़े, हर एक परिवार उसमें आए। जैसे हम अत्यंत श्रद्धा के साथ आज यहां मिट्टी दान किए, IIT की ओर से पूरा हो जाने के बाद आने वाले 5-7 दिन में आप NY के जो राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोऑर्डिनेशन के काम कर रहा है, NYK को इस पात्र को आपने समर्पित कर दीजिए। ये पात्र दिल्ली जाएगा, इंडिया गेट में, जहां अमर जवान, शहीद अमर जवान की स्मृति है, वार मेमोरियल है, देश की सभी इलाके की मिट्टी पवित्रता के साथ वहीं रखा जाएगा। देश की मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा, वह अमृत वाटिका बनाया जाएगा। आज हमने 75 पेड़ लगाए, इस कार्यक्रम को IIT करे, इसकी मैं शुभेच्छा देता हूं। मैं जिन मित्रों को आज IIT ने बुलाया है, बैंक्स के लोग हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, एम्स हैं, ICT हैं, पोस्टल हैं, पैरामिलिट्री की तमाम बड़े अधिकारी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेंचुरियन जैसे संस्था है, मेरा आप सभी को निवेदन है, आपकी परिवार में भी ऐसे ही मेरा देश, मेरा माटी, अमृत वाटिका, राष्ट्र के नाम पे पंच प्राण में शपथ, और फिर मिट्टी इकट्ठा करके आप NYK को बुला के उनके हाथ में समर्पित कीजिए।